भैया आप गोमूत्र छिड़कते हो तो इसमें आप कौन कौन सी सावधानी रखते हो? जहाँ में भैया एक तो जो पंप है जी जहाँ में कीटनाशक दवाई न होए, जी जाए हमदा धो लिया जी और धो कर अपन शॉप में गौमूत्र के लिए बरसात पानी गिरे जब भी नहीं छिड़कना, जी अपन ये लाना धूप रहे तो जी साफ मौसम में छिड़काव करना छिड़काव चाहिए। कर दो। हाँ अच्छा भैया, और अपन जैसे पानी गिरा तो आप छिड़काव कर देते हुए तो धुल जात हुए हाँ वो पानी से धुल जात है, एक बार अपन धूप में। धूप में कराते हैं अच्छा तो वहाँ में फायदा मिला था। जी जामे भैया जैसे हवा चल रही है वही साइड से अपने छिड़काव करने हैं, अच्छा भैया, नहीं तर का है अपन हवा ताने रेंग है तो अपने ऊपर उड़ है। अपने ऊपर ओढ़ है। हाँ अच्छा तैसे हवा की लाइन से छिड़काव करते हैं। अच्छा भैया, आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? सभी किसान भाइयों को राम राम है के भाई जब फसल में जब गौमूत्र के छिड़काव से एक तो पैसा नहीं लगे, पैसा पूरा बचता है, और सभी किसान भाइयों है ऐसे ही करना चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि जे गौमूत्र का छिड़काव करें तो उससे कीड़े मकूड़े कुछ नहीं लगते और पैसा भी नहीं लगता। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें फसलों पर गोमूत्र के छिड़काव के बारे में बताया, और हमारे किसान भाई इसका उपयोग करेंगे और अपनी लागत फसलों में कम करेंगे, और अधिक से अधिक हमारे किसान भाई इस छिड़काव का, गोमूत्र के छिड़काव का लाभ लेंगे। भैया जयराम जी की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की भैया।